खबर डींग से। डींग तहसील के गांव कासोट में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष हरपाल सोनू सतवी सहित करीब एक दर्जन लोगों ने फायरिंग और पथराव करना शुरू कर दिया। फायरिंग में ताबड़तोड़ फायरिंग में करीब 20 राउंड फायर किए गए और पथराव जमकर हुआ। एक युवक के सिर में धारदार हथियार से लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित पक्ष तेज सिंह ने बताया कि कल सुबह 6:30 पर बच्चों में कहासुनी हो गई, जिसको लेकर समझाए हुए होने के बावजूद भी कुछ देरी बाद ही दूसरे पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पथराव पत्थर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ले रही है घटना की जानकारी। पीड़ित पक्ष ने बताया कि पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। दूसरा पक्ष में प्रभावशाली होने के कारण राजीनामा का दबाव। गांव कासोट तहसील डी गई है, थाना अपना आप जो दिख रहा है ये। कल सुबह 6:30 घटना हुई है साहब, बच्चे से मारपीट की है, पहले कुड़ारी मारी है सर में, आटा कर आए हुए और फायरिंग हुए धुआंधार, कम से कम 20 फायरिंग हुई है। 3-4 जने ने फायरिंग करी है, हरपाल तस्वीर और सोनू, और बाकी ने ईंट पत्थर फेंके और प्रेम सिंह कल तक जहाँ तक डरे, कल कुछ नहीं हुआ। अब सुबह 8 के आए हुए, अभी कुछ नहीं आए और बार बार धमकी मिल रही है, घर जाएं तो साहब कैसे जाएं, बिना कोई वो नहीं है। और खुलेआम फायरिंग हुई है, उसकी वीडियो डाल दी है, मुझे अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस ने पुलिस वालों से मैंने कह दिया, अभी पुलिस कल मौके पहुंच के अभी किसी को अरेस्ट नहीं किया है और हमें न्याय चाहिए साहब, घर जाएं तो किस जिम्मेदारी पे जाएं।